हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम ऑल्टर कमांड और एक रीनेम कमांड के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्टर कमांड, द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। मतलब कि हम अपने जो हमारा जो टेबल जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, उसमें जो कॉलम्स हैं वो हम ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी, और उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज टू ऐड एंड ड्रॉप वेरियस कंस्ट्रेंट्स ऑन एन एग्जिस्टिंग टेबल। हम इससे कॉलम्स में जो हमने डेटा टाइप यूज़ किया है उसे भी चेंज कर सकते हैं। हम अपने कॉलम्स का ड्रॉप भी कर सकते हैं। हम एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल कोई भी हम चीज़ अपने कॉलम्स में इंसर्ट कर सकते हैं ऑल्टर कमांड के थ्रू। तो अब हम ऑल्टर कमांड के सिंटेक्स के बारे में पढ़ेंगे। टू ऐड अ कॉलम इन टेबल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑल्टर, के बाद टेबल, उसके बाद हम लिखेंगे टेबल का नाम। अब हमने ऐड करना है कॉलम को, तो इसलिए हम ऐड यूज़ करेंगे, ऐड लिखेंगे, उसके बाद हम कॉलम का नेम देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी भी अपने टेबल के अंदर अपना मार्क्स वाला एक कॉलम क्रिएट ऐड करना है, तो मैं ऐड के बाद लिखूंगा मार्क्स, उसके बाद उसका डेटा टाइप मैंने लिख दिया जैसे इंटीजर। तो अगला है, अगर हम कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो सेम वही ऑल्टर टेबल, फिर टेबल नेम, उसके बाद हम लिखेंगे ड्रॉप। हमने पहले ड्रॉप पढ़ा था, हमने पहले ये देखा था कि ड्रॉप से हमने अपने टेबल को डिलीट किया। अब यहाँ पे हम ड्रॉप यूज़ करके हम अपने टेबल के कॉलम को डिलीट करेंगे। ड्रॉप के बाद हम लिखेंगे कॉलम, और उसके बाद हम लिखेंगे कॉलम नेम। टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम इन टेबल, अगर कोई भी जैसे हमने मार्क्स का जो डेटा टाइप है वो हम इंटीजर लेते हैं, अगर हम उस इंटीजर को चेंज करके हम अगर उसकी जगह हम कैरेक्टर डालना चाहते हैं तो हम ये कमांड यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग में ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, उसके बाद हमने अगर हमें इसमें चेंज करना है, मतलब हमने मॉडिफाई करना है, इसलिए हम मॉडिफाई यहाँ पे टाइप करेंगे। मॉडिफाई के बाद कॉलम नेम, जो भी जिसका भी हमने कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, उसके बाद हम डेटा टाइप देंगे चेंज जो हमने करना है। अगर हमने इंटीजर से कैर में करना है तो यहाँ पे हम डेटा टाइप पे लिखेंगे वैर कैर। टू रीनेम टेबल नेम, हम इसे अपने टेबल का जो नेम है उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो उसका जो सिंटैक्स है वो है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, उसके बाद हम यूज़ करेंगे रीनेम टू न्यू टेबल नेम। अब अगर मैंने जैसे कि अपना जो मेरा टेबल है, फर्स्ट टेबल का जो मैंने नाम दिया था स्टूडेंट ID 1, उसे मैं रीनेम करना चाहता हूँ एक नए नाम से। मैंने नया नाम फॉर एग्जांपल दे दिया स्टूडेंट टेबल 2। तो इस सिंटैक्स से, इस कमांड से मैं अपना जो टेबल का जो नेम है मैं उसे रीनेम कर सकता हूँ। अब ऑल्टर कमांड में हम कुछ चीज़ें हैं जो हम ऑल्टर से नहीं कर सकते। यू कैन चेंज द नेम ऑफ कॉलम, एंड जो सेकेंड पॉइंट है वो है कैन डिक्रीज द साइज ऑफ अ कॉलम इफ टेबल डेटा एग्जिस्ट। तो अब हम तो यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है इन्फो नाम का। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक नया कॉलम ऐड करूँ। अभी यहाँ पे मेरे तीन कॉलम हैं, एक रोल नंबर का, फर्स्ट नेम और एक सेक्शन। मैं इसके आगे एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ ग्रुप नाम से। तो मैं यूज़ करूँगा अब अपना ऑल्टर कमांड जिससे मैं इसमें कॉलम ऐड करूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा ऑल्टर टेबल, उसके बाद जो टेबल का नाम है इन्फो, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड करना है कॉलम, मैंने एक ग्रुप्स नाम का कॉलम ऐड करना है, और उसके बाद मैं डेटा टाइप दूंगा वैर कैर, उसका जो साइज़ है वो मैं दे दूंगा 20 25। उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलम। अब रन करने पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ रहा है टेबल ऑल्टर्ड। अब चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा DESC स्पेस टेबल नेम, टेबल नेम था इन्फो, यहाँ पे मैंने रन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम में एक नया कॉलम ऐड हो चुका है ग्रुप्स नाम का, जिसका डेटा टाइप हमने सेलेक्ट किया था वैर कैर और उसकी लेंथ थी 25। तो ऐसे हम अपने अपने टेबल में हम कॉलम ऐड कर सकते हैं ऑल्टर कमांड से। टॉप ये डिलीट करना चाहते हैं, फॉर तो एग्जाम्पल अगर मैं सेक्शन नाम के कॉलम को ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कमांड में सबसे पहले लिखूंगा ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, उसके बाद मैं लिखूंगा ड्रॉप स्पेस कॉलम
कॉलम स्पेस कॉलम का नाम, कॉलम का नाम था सेक्शन और लास्ट में सेमी कॉलम। उसके बाद जब मैं रन करूँगा तो मेरे रिजल्ट में आ रहा टेबल ऑल्टर्ड। अब चेक करने के लिए मैं लिखूँगा DESC मतलब डिस्क्राइब, उसके बाद मैं लिखूँगा टेबल का नाम। रन करने पे आप देख सकते हो कि जो हमारा सेक्शन नाम का जो कॉलम था वो हमारा अब डिलीट हो चुका है। तो ऐसे हम ड्रॉप कमांड यूज़ करते हैं हमारे ऑल्टर कमांड में। तो अभी हम एक कॉलम का जो, जैसे हमने रोल नंबर है, मैं उसका जो डेटा टाइप है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो वह भी हम ऑल्टर कमांड से यूज़ कर सकते हैं। तो जो उसका सिंटैक्स है वो है हम ऑल्टर टेबल, उसके बाद टेबल नेम, उसके बाद हम लिखेंगे मॉडिफाई स्पेस कॉलम नेम। तो हमारा जो कॉलम नेम है वो है रोल नंबर। उसके बाद मैं अगर, जैसे यहाँ पर डेटा टाइप मैंने इंटीजर यूज़ किया हुआ था, उसकी जगह अगर मैंने कैरेक्टर यूज़ करना है तो मैं लिखूँगा वेर कैर। अगर मैंने साथ में कुछ इसका मैक्स साइज भी देना है तो वो भी मैं दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 दे दिया तो ओके। लास्ट में सेमी कॉलम। अब रन करने के बाद टेबल ऑल्टर्ड आ गया हमारे रिजल्ट में। चेक करने के लिए मैं उसे डिस्क्राइब करूँगा। तो यहाँ पे अभी जो रोल नंबर है उसका डेटा टाइप है वो वेर कैर में चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं ऑल्टर कमांड के थ्रू। तो हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारा रीनेम कमांड। रीनेम नाम से ये पता चल रहा है कि हम ये किसी चीज़ का, ये हमारे टेबल को रीनेम करेगा, लाइक न्यू नाम दे देगा। तो इसका सिंटैक्स होता है वो है रीनेम फिर टेबल नेम, जो हमारा एग्जिस्टिंग टेबल नेम था, उसके बाद टू न्यू टेबल नेम, मतलब एग्जिस्टिंग टेबल नेम से न्यू टेबल नेम को चेंज करेगा ये। तो यहाँ पे अभी जो मेरा टेबल है उसका जो नेम है इन्फॉर्मेशन, अब मैं उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करना चाहता हूँ किसी और नेम पे। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा रीनेम कमांड। तो रीनेम के बाद मैं लिखूँगा टेबल नेम जो है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद मैं चेंज करना चाहता हूँ उसके बाद, इसलिए मैं लिखूँगा टू स्पेस न्यू टेबल नेम। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू टेबल, लास्ट में सेमी कॉलम। मैं रन करूँगा यहाँ पे स्टेटमेंट प्रोसेस्ड ओके। तो अगर मैं इसे चेक करने के लिए एक बार मैं डिस्क्राइब करके देखता हूँ, मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखूँ, यहाँ पे रन करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है जो है ऑब्जेक्ट टू बी डिस्क्राइब्ड कुड नॉट बी फाउंड, मतलब इन्फॉर्मेशन नाम का टेबल अब नहीं रहा। तो इसलिए अगर मैं इन्फॉर्मेशन की जगह यहाँ पे लिखूँ न्यू टेबल और इसे रन करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हमारा जो टेबल है उसका जो नेम था वो अब चेंज हो चुका है न्यू टेबल पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।